आज हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली की सड़कों पे। दिल्ली सरकार की चारों तरफ वाहवाही तो हो रहा है, क्यों ना हो, क्योंकि दिल्ली सरकार ने काम ही ऐसा किया है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं, यानी कि DTC जो बस चलते हैं, और फ्री दे के देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर महिलाओं के लिए टिकट बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली की बसों में कुछ सीमित लोगों को ही बिठा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए हम आपको लेके चलते दिल्ली की सड़कों पे वो लंबी लाइन जिसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देख लीजिए दिल्ली की बसों का हाल। और दिल्ली सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए एक कानून पारित करा था, जिसके अंदर साफ तौर से कहा गया था कि अगर आप बसों में सफर करना चाहते हैं तो बसों के अंदर यात्रियों की संख्या सीमित होगी। लेकिन कई बार यात्रियों का गुस्सा धूप में और गर्मी में इतना बढ़ जाता है कि वो ड्राइवर के साथ में बहस करने लगते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। ऐसे ही गर्मी के अंदर जब लोग लंबी लाइनों में और कतारों में खड़े नजर आते हैं तो घंटों देर हो जाती है। अगर आपको भी दिल्ली में कहीं जाना है तो आपसे हमारी तरफ से गुजारिश होगी कि घर से कम 2 घंटे पहले निकलिए और उचित दूरी जी हाँ उचित दूरी को बनाकर जरूर रहिए। जब आप बसों में चढ़ते हैं तो भी उचित दूरी का ध्यान रखिए, वरना जिसका नाम COVID-19 यानी कि कोरोना है, न जाने कहां घात लगाकर आपके ऊपर हमला करने के लिए बैठा हो। जैसे ही आप बसों में चढ़ेंगे कि हो सकता है वो आपके ऊपर धावा बोल दे। आप कभी भी अगर घर से निकलने की तैयारी में हैं तो 2 घंटे पहले निकलेंगे तो तभी आपको सही समय से बस मिल पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या जनता के लिए भी है, क्योंकि जनता को तो काम पर जाना है, समय से अपनी ड्यूटी बजानी है। मेट्रो के बंद होने की वजह से बड़ी समस्या का सामना दिल्ली की जनता कर रही है। केजरीवाल सरकार को ये सोचना होगा कि आखिर दिल्ली का राजस्व अगर बढ़ाना है तो दिल्ली में काम काज को सुचारू रूप से चलाना होगा। लेकिन अगर काम काज सुचारू रूप से नहीं चला तो दिल्ली का राजस्व घटता चला जाएगा और यहाँ की सरकार भी अनस्टेबल होने की संभावना है। सोचना होगा उन लोगों के बारे में जो देश की सरकारों के अंदर अलग अलग राज्यों की सरकारों पर यह घात लगाकर बैठे हैं कि कब उस राज्य की सरकार अनस्टेबल हो और कब हम उनके MLA खरीदना शुरू कर दें। जी हाँ, इशारा साफ है, समझदार हैं आप, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सोचना होगा, जागना होगा, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतजार करता है। इसलिए आप उचित दूरी बना के रहें, अपने चेहरे और अपने हाथों को बार बार धोते रहें। वहीं धूप और गर्मी के अंदर परेशान ये यात्री हमें साफ तौर से बता रहे हैं कि इनको एक बस का इंतजार करने में अपने गंतव्य स्थान पहुंचने पर काफी वक्त लग जाता है। ऑब्वियसली बात है, मेट्रो खुलनी चाहिए। जिस मैनेजमेंट के साथ एजेंसी को लोन की किस्त चुकाती है वो इनफ है। अगर फाइनेंशियल देखते हैं तो दिल्ली मेट्रो भी लॉस में जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट लॉस में जा रही है। जो सर्विस दिल्ली मेट्रो से रेगुलर जो ट्रैवल करते हैं एम्प्लॉयज, उनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पब्लिक को कितना पड़ सकेगी, पब्लिक की जनता की भलाई के लिए तो आप लोगों के साथ ये करा जा रहा है, जनता की भलाई के लिए, लेकिन जनता भी परेशान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, जो दिल्ली में करीब करीब 1.5 से 2 लाख डेली पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, अब वो 1.5 से 2 लाख जो दिल्ली मेट्रो के ऊपर का बर्डन था वो आज की डेट में DTC पे आ रहा है। और DTC के मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो आप किसी भी डिपो में चले जाएं, वहाँ प्रॉब्लम सेम रहती है। आपको ये नहीं पता कौन सी बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है, एक मैनेजमेंट होता है। अगर जनरली जितने डिपो हैं उनको ये मैनेज करना चाहिए, जो बस जिस रूट की बस है वहाँ पे देखना चाहिए कि यार इस रूट की बस है, ये सर्टेन स्टैंड से बस निकलेंगी तो पैसेंजर क्या होंगे, उस पर्टिकुलर रूट के पैसेंजर होंगे वहीं पे वेट करेंगे, बाकी दूसरी बसों के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जनरली कोई बस यहाँ से बनती है, कोई पीछे से बन के आ रही है, तो नहीं प्रॉब्लम देखिए सबकी तरफ से, ड्राइवर कंडक्टर का भी थोड़ा सा उसमें पार्ट है, जो डिपो का मैनेजमेंट है, टर्मिनल का मैनेजमेंट, उनका भी एक पार्ट है, उसके बाद जो पैसेंजर है उनका भी एक पार्ट रहेगा। मैनेज तीनों को करना है, प्रॉब्लम तीनों को फेस करनी पड़ती है। डिपो के ऊपर जो 1.5 से 2 लाख ट्रैवलिंग का जो डेली मेट्रो का पैसेंजर थे उनका प्रेशर अब DT से बर्न कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर मैं एक डेली काम करने वाले बंदे की बात करता हूँ, डेली एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। रीज़न क्या होता है, जो जनरली शिफ्ट 9:30 से 10 बजे की उनके ऑफिस आवर्स होते थे, उनको पहुँचने में 11:30, 11:30 बजते हैं। जनरली जितने भी ऑफिस हैं वो आज की डेट में लॉस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस में
हाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि डेली जो पीक आवर्स में जो कम्युनिकेट करते हैं वो डेली एम्प्लॉयज़ होते हैं। ऑब्वियसली बात है, देखो मैनेजमेंट को चाहिए, जो बॉस होता है उसको अल्टीमेटली काम चाहिए, ठीक है। आप काम कम दे पाओगे जब आप टाइमली ऑफिस पहुँचोगे। अब जहाँ 10 बजे से आप काम स्टार्ट करते हो, वही 12 साढ़े 12 आप काम स्टार्ट करते हो, शाम को फिर आपको जल्दी निकलना होता है। रीज़न क्या होता है, आपको वापस घर आना है। जहाँ जनरली 7 साढ़े 7 बजे शिफ्ट ख़त्म होती है तो लोग ऑलमोस्ट 9:30-10 बजे के आसपास घर पहुँचते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लोगों का क्या कहना है आपने सुना है, लोग यही चाहते हैं कि मेट्रो भी शुरू हो जाए। अगर शुरू करें तो कुछ नियम कानून मानने के लिए भी लोग बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन सरकार को बहुत अच्छे से पता है कि क्या कायदे कानून बनाने से जनता की भला होगा। तो उम्मीद है कि दिल्ली वालों को कुछ राहत जरूर मिलेगा, क्योंकि उनका सरकार, उनकी चुने हुए जो सरकार है दिल्ली सरकार, उनके लिए ज़रूर काम करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।